का हमारा टॉपिक है अवर बॉडी। आज हम पढ़ेंगे अवर बॉडी यानी कि हमारा जिस्म जो है वो किस तरह से काम करता है और क्या कुछ है। अवर बॉडी हमारा जिस्म, द ह्यूमन बॉडी वर्क्स सिमिलर टू अ मशीन। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमारा जिस्म हमारा जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह काम करती है। जस्ट एज अ मशीन हैज मैनी पार्ट्स, अवर बॉडी ऑल्सो हैज मैनी पार्ट्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मशीन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, हमारे जिस्म के भी वैसे ही बहुत सारे हिस्से होते हैं, लाइक बोन्स, मसल्स, लिम्स, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। वी ऑल्सो हैव मैनी अदर बॉडी पार्ट्स विच हेल्प अस इन अवर डेली लाइफ। और भी हमारे जिस्म के दूसरे मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ तरह के काम करने में मदद देते हैं। अच्छा, हमारा जिस्म जो है वो एक मशीन की तरह काम करता है। इसे हम कंपेयर करके देखते हैं एक मशीन से। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइसाइकिल, एक जो बाइसाइकिल होती है उसके टायर्स होते हैं, चैन होती है, हैंडल होता है और दूसरे पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे जिस्म में भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, लाइक अवर ब्रेन, किडनी, लंग्स एंड अवर बोन्स। ये सारे जो है हमारे जिस्म के हिस्से हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के काम अंजाम देते हैं। फर्स्ट जो है हमारे ब्रेन का जो हमारी बॉडी का जो हिस्सा है, द बोन्स। अवर बॉडी हैज अ फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स। हमारे जिस्म के अंदर जो है एक पूरा फ्रेम वर्क होता है हड्डियों का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है एक फ्रेम वर्क हड्डियों का। दिस फ्रेम वर्क विच इज नोन एज अ स्केलेटन। ये फ्रेम वर्क जो कि कहलाता है एक स्केलेटन, या उर्दू में कह सकते हैं इसे ढांचा। गिव्स अवर बॉडी इट्स अपराइट फॉर्म, यानी कि ये जो हमारी बॉडी को अपराइट फॉर्म, एक सीधी जो है फॉर्म देता है। देर आर 206 बोन्स इन अवर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर जो है वो 206 हड्डियाँ होती हैं। द बोन्स ग्रो एज वी ग्रो। हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो बढ़ती हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। सम बोन्स प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो कुछ हड्डियाँ होती हैं वो हमारे जिस्म के जो है डेलिकेट यानी कि नाजुक हिस्से होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्कल यानी हमारे सर के ऊपर अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो एक हार्ड स्कल बोन है जिसे हम स्कल कहते हैं, हमारी खोपड़ी, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन की। एंड रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। और ये जो हमारा चेस्ट एरिया होता है इसमें जो हमारी हड्डियाँ होती हैं रिब्स कहलाती हैं, वो प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है हमारे हार्ट और लंग्स की। द बोन्स इन अवर बॉडी एंड आर्म्स हेल्प अस टू मूव अराउंड एंड डू वर्क बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द मसल्स। और जो बोन्स होती हैं दूसरी, वो मुख्तलिफ तरह के काम करने में हमें मदद देती है। जैसे कि आप अपनी इस पिक्चर में देख सकते हैं, स्कल बनी हुई है ऊपर, उसके अलावा रिब्स हैं, एल्बो, रिस्ट एंड नी, हमारे जो घुटनों की हड्डी है। हमने पढ़ा कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के काम अंजाम देते हैं। तो हम जो इसका एक ऑर्गन पढ़ेंगे वो है अवर ब्रेन, हमारा जो है ब्रेन, यानी कि वो हमारे ब्रेन का काम क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ब्रेन बना हुआ है। ऊपर देख सकते हैं जो ब्लू कलर की जो ऊपर वाली साइड पे लेयर है, ये हमारी स्कल है जिससे हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो हम ये पढ़ेंगे कि हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से काम करता है, यानी हमारे जिस्म में क्या काम करता है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड द स्कल। ये जो ब्लू कलर की ऊपर वाली सतह पर जो है कवरिंग है, इसे कहते हैं हम स्कल यानी कि खोपड़ी, जिससे जो है हमारा ऑर्गन वो प्रोटेक्टेड होता है। अगर हमें चोट वगैरह लगती है कोई भी हल्की फुल्की, तो वो हमारी पहले स्कल को लगती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। The brain controls our entire body and our thoughts. हमारा ब्रेन जो है वो हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है और हमारी थॉट्स को भी। It sends commands to all parts of the body. ये हमारे जिस्म के सारे हिस्सों को जो है वो कमांड्स भेजता है, जो भी काम हमने करना होता है उसका हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ इट लाइक एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम सोच सकते हैं। दीज मैसेजेस आर सेंट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वायर्स एंड केबल्स कॉल्ड नर्व्स।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें जो हमारे पास बिजली आती है, हमारे पास बिजली कहाँ से आती है, पावर स्टेशंस के थ्रू हमारे घरों पे आती है। और किसके जरिए से आती है, वो वायर्स के जरिए से आती है, तारों के जरिए से आती है। यानी जो हमारा हम अपना फोन चार्ज पे लगाते हैं तो वो भी एक वायर होती है जो कि हम स्विच में लगाते हैं और उससे जो है वो चार्ज करता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी वायर्स होती हैं जिन्हें नर्व्स कहा जाता है। उनके जरिए से ब्रेन जो है मैसेज सेंड करता है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स को। We use our brain when we write, when we read, eat or make any movements. हम अपने जिस्म को यूज करते हैं जब भी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या खाते हैं या कोई भी किसी किस्म का मूवमेंट हम करते हैं। Our physical and mental health can be seriously affected if any part of the brain is damaged. हमारी जो है वो physical और mental health जो है वो damage हो सकती है अगर हमारे brain का कोई भी हिस्सा जो है वो damage हो जाए। Okay, now do an activity. Think about rubbing your toes together. Now actually do it. Yani fard sochein to move your finger, apni finger ko hilane ke bare mein sochein aur phir use actually kare. Aur yani ye kaise hua phir, yani jab aap aapne think kiya, aapne socha apne mind mein, to phir hamari jo special nerves hai unke through hamare finger tak message pahuncha aur aapne wo kaam kiya. Think to walk, think to write, think to read, is tarah koi bhi aap 10 activities kare, कोई भी 10 काम आप थिंक करें, सोचें और फिर आपका जो ब्रेन है वो थ्रू नर्व्स उस पार्ट तक मैसेज पहुंचाएगा और फिर एक्चुअली में वो आप काम करेंगे। तो हमारा ब्रेन जो है वो थिंक करता है, यानी हमारे जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। एक एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान जो होता है वो दिन में तकरीबन 5000 टाइम्स सोचता है, यानी कि 5000 बार। कैन यू इमेजिन 5000 टाइम्स, यानी कि इस तरह हम ये सोच कर इस चीज को, यानी ब्रेन जो है वो थिंक करता है, हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन 5000 टाइम्स सोचता है, तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई वाक्या हो जाए जो कि आपके लिए अच्छा ना हो, कोई इंसल्ट वाला, इन योर क्लासरूम टीचर से इंसल्ट हो जाए या आपके मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो गलत हो या आपको आपको लगा लगे कि आपकी इंसल्ट हो गई है, तो ये सोचें कि जो लोग हैं आस पास बैठे हैं आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो आप ये सोचें कि जो ब्रेन है वो दिन में 5000 टाइम्स सोचता है, तो अगर 50 टाइम्स और मे बी 100 टाइम्स कोई कितना सोचेगा, सोच भी ले तो उससे क्या होगा। तो यानी हमारा ब्रेन जो है वो हमारी थॉट्स को कंट्रोल करता है। तो हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है, थॉट्स होती हैं, हम इस तरह की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम आगे आगे साथ साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।